माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से तमाम महिलाओं को इस चंगुल से निकालना बहुत जरूरी है। यादगीर में आने वाली 22 नवंबर कल जुमा के दिन बाद नमाज वहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है। वहाँ के जिम्मेदार, वहाँ के नौजवान कमेटी, उलमा इकराम है तमाम लोग और गुलबर्गा हम लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करेंगे। मैं यादगीर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए। जय हिंद दोस्तों, आज वीडियो पे आने का मकसद यादगीर डिस्ट्रिक्ट के आवाम के लिए ये वीडियो है। ये और जिस तरह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग यहाँ पर हमारे इसी को देखते हुए ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का जो दलदल है ये कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान में तो है, कर्नाटक में जो कल्याण कर्नाटक का रीजन हमारा जो रीजन है वहाँ पे कई ज्यादा दबदबा उसका दलदल बने हुआ है। कई सारे लोग हमको यादगीर से रेंचूर से कम्युनिकेशन में है और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट दर्ज करने की बात कर रहे थे। फाइनली सब लोग बैठ के ये डिसाइड करें कि यादगीर में एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो यादगीर में आने वाली 22 नवंबर कल जुमा के दिन बाद नमाज वहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है। वहाँ के जिम्मेदार, वहाँ के नौजवान कमेटी, वहाँ के जो उलमा इकराम हैं तमाम लोग और गुलबर्गा से हम लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करेंगे। मैं यादगीर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से तमाम महिलाओं को इस चंगुल से निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देखे से हम लोग हमारे आंखों से हम देखे, प्रैक्टिकली हम लोग देखे, काउंसलिंग में देखे कि कई सारे औरतें बहुत परेशान हैं, उनके बच्चों को लेके जा रहे हैं रिपेमेंट के वास्ते, उनके उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके घरों पे आके बैठा जा रहा है, टोटली आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। और रिसेंटली गुलबर्गा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हुई थी डिप्टी कमिश्नर के साथ और तमाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के साथ भी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो गाइडलाइंस है, जो DC गाइडलाइंस है, तो वो गाइडलाइंस का भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का। मुझे लगता है कि हम लोग रिएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ, जिसकी पहली शुरुआत हम लोग फिर यादगीर से कर रहे हैं और इंशाल्लाह यादगीर के बाद बीदर में होगा, फिर रेंचूर में होगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग फैलना शुरू करेंगे इसको। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और यादगीर के प्रोटेस्ट को कामयाब करने में हमारी मदद कीजिए।